दूसरी बेचारा सुसू करने गया था और खोलने खोलने मिल गया। हाथ धोले, अबे हाथ धोले, ऐसे हाथ धोले ना। वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और हम चल चुके हैं हाईवे पे एक नई जर्नी पर, एक एक्सट्रीम रोड को एडवेंचर करते हुए तीनों भाई, मैं, ऋषि, अंकित, और हम तीनों फुल एंजॉय करेंगे और आप लोग देखेंगे कि एक्सट्रीम लेवल का एंजॉय। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा कि मैं ऋषिकेश और हरिद्वार गया था, और उससे पहले दोस्तों के साथ गया था, फिर लौटा हूँ दोस्तों के साथ। और किसी ट्रिप में आपने ऋषि को देखा, अंकित को देखा, लेकिन इस ट्रिप में हम तीनों साथ हैं और कुछ भाई हमारे आ नहीं पाए। लेकिन आप लोगों को बता दूं, फन इस बार भरपूर होने वाला है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद आपसे थोड़ा सा आगे मिलता हूँ, आपसे बात करता हूँ और बताता हूँ कि ये जर्नी पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कितना मस्त एडवेंचर होने वाला है, तो इंजॉय करो। और जो विंड है, Oh my God! आपने देखा यहाँ पर जो हवाएं हैं बहुत ही तेज चल रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए आपसे थोड़ा सा आगे चल के मिलते हैं। खाना खा लिया है, झील में ढाबे पे बहुत ही टेस्टी खाना मिला। इतनी देर से सफर कर रहे थे, लेकिन यार मजा आ गया झील में ढाबा करनाल। ओ माय गॉड, क्या लजीज खाना था। एंजॉय द वीडियो। दोस्तों हमने कार रोकी, और रीजन क्या था कार रोकने का, जस्ट जो है अंबाला से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और यहाँ पर जो है हमारी गौ माता को शायद कोई हिट कर गया है। तो यार ऋषि उधर ट्रैफिक रुकवा रहा है उधर से कि कोई लोग उसको टच ना कर दे, और हमें लग रहा है ये इंजर्ड है शायद, तो थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए हमें, और हम कोशिश करते हैं कि हेल्प हो जाए। तो यार ये बहुत गलत बात है, सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा। दोस्तों ये बहुत गलत बात है, वैसे सब बोलते हैं हमारी गौ माता है, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा बिल्कुल भी, यहाँ रुकी हुई है। और अब हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं, लोगों को रोकते हैं कि इनको यहाँ से आगे बचा सके। मैं रोकता हूँ, चल मैं रोक। दोस्तों यहाँ पर गौ माता को साइड में डिवाइडर के इस तरफ आराम से उनको एक जगह बैठा दिया। हमने यहाँ पर ये देखा कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था किसी भी रूप में, हम रुके और तब जाकर हमें दो तीन लोगों को देखकर और भी लोग आए, और लोगों का जज्बा जगा कि वो भी हेल्प कर सके। दोस्तों सिर्फ गौ माता कहने से कुछ नहीं होता, हेल्प भी करनी पड़ती है, दिल से मानना पड़ता है। ये हमारा देश है, इस देश में गाय की रिस्पेक्ट की जाती है,
लेकिन रिस्पेक्ट अच्छे से करो। हम भी एक दो लोगों से और संपर्क करेंगे और उनको बताएंगे कि किस जगह आपको आना है, तो के यहाँ पर गौ माता जी की हेल्प हो जाए और इनका इलाज बढ़िया तरीके से हो जाए। हम बाला सिटी में हम एंटर कर चुके हैं, अगर आप देखोगे काफ़ी रात हो चुकी है और अभी हम हैं पंचकुला में, और जो नाइट लाइफ है यार यहाँ की वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। बहुत ही सुकून है, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। अब चल रहे हैं थोड़ा सा, अब बस थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और जो माउंटेन्स के व्यू हैं, अगर रात में पॉसिबल है तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा और थोड़ा सा आपसे बातें भी करता रहूँगा। दोस्तों अगर आप देखोगे रात में ये शहर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और इसको दिखाने का मेन पर्पस ये था कि ये एक बहुत ही प्लान्ड शहर है। यहाँ पे और शहरों की तरह ये नहीं कि कोई कहीं भी कार पार्क करके चला जाएगा या ट्रैफिक बिल्कुल नॉनसेंस है, नहीं, यहाँ प्रॉपर साइड में लेन्स बनी हुई हैं, साइड का ट्रैफिक साइड में चलेगा, बीच का ट्रैफिक बीच में चलेगा, और हर चीज़ टोटल प्लान्ड है, और लोगों में भी अच्छा खासा डिसिप्लिन है चलने का। यही चीज़ थी यहाँ की जो मैंने आपको रात को दिखानी चाहिए। और अपने आप में यार ये भी अच्छा लगता है, रीज़न हम दिल्ली से आते हैं और दिल्ली के आसपास गाज़ियाबाद है, नोएडा है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर प्लान्ड तरीके से नहीं चलते। आने वाले 50 सालों में भी शायद मेट्रो की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा तक हम कहाँ पहुँचे। हम आए हैं कोटी रिजॉर्ट नारडेरा। ये जो इलाका है ये फेमस है नारडेरा के नाम से और कोटी रिजॉर्ट के भी नाम से। रिजॉर्ट में तो हम अब कल सुबह जाने वाले हैं, बट उससे पहले हमने एक होटल लिया है, होटल में हम रुके हैं और यहाँ पर बस अब सोने की तैयारी है, खाना वगैरह हमने खा लिया है। बस अब आपसे कल ही मुलाकात करता हूँ क्योंकि काफ़ी थक गए हैं, रात के 2 बज गए हैं और पूरे दिन आज मेहनत करते रहे और इन्जॉय करते रहे और आखिरकार हम तीनों भाई यहाँ पर आ गए। तो अब आप लोगों से सुबह ही मुलाकात होती है, अब करना कुछ नहीं है, मुझे अंकित और ऋषि को सोना है, बस फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, कल एक न्यू जर्नी पर चलेंगे। अब करना क्या है, सोना है, खाना वगैरह हमने खा लिया, बस मैं ही रह गया और अंकित, ऋषि ने खा लिया है खाना, ऋषि भी तैयारी कर रहा है सोने की, और खाने में यार क्या टेस्टी दाल मखनी और रोटी है, तो चलिए खा लेते हैं। और सुबह सुबह सबसे पहले आपको क्या नज़ारा दिखाने वाला हूँ वो भी आपको बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल वो नज़ारा रात को दिखा देता हूँ आपको, शायद वो नज़ारा रात को क्लियर नहीं आ पाएगा बट सुबह जब आप देखोगे आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, एकदम ऑसम फील करोगे और बहुत ही डिफरेंट। ये नज़ारा जो रहेगा सुबह का वो ये है कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे अपनी बालकनी में, तो अभी ये आपको अंधेरे का नज़ारा ज़्यादा कोई साफ दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको सुबह ये जो नज़ारा दिखाऊंगा आप इस नज़ारे को फील करेंगे। चलिए आप लोगों से अब सुबह ही मुलाकात करेंगे और सुबह ही आप लोगों से बात करेंगे और सबसे पहले उठते के साथ ही ये नज़ारा आपको दिखाएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा, मन एकदम हैप्पी हो जाएगा। मैं आप लोगों से दोस्तों मैंने वादा किया था कि सुबह उठते के साथ ही मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा बालकनी का। रात को तो आप लोग देख नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बट अब आप देखो माय गॉड, चलिए अब आपको ऊपर से दिखाता हूं, ऊपर ले जाकर ये क्या व्यू आ रहा है। अब सीधा चल रहे हैं ऊपर और ऊपर से आप लोगों को नजारा दिखाऊंगा कि ये जहां रुके हैं ये होटल कितना मस्त है, ये देखो। हर जगह बेस्ट व्यू है यहाँ पर, तेज बढ़ गया। ओ माई गॉड, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ऊपर से व्यू। ओ माई गॉड, क्या मस्त व्यू है यार,
बादल ही बादल, बिल्कुल जन्नत का एहसास। मस्त यार, एकदम मस्त व्यू, दिल खुश हो गया। क्या डिजाइन से यहाँ पर रिजॉर्ट बने हुए हैं, कॉटेज बने हुए हैं यार, मजा आ गया। अब आप लोगों को इस तरफ से दिखाता हूँ, इस तरफ से व्यू क्या आ रहा है। तो यार अगर आप देखोगे, ओ माय गॉड, बादल ही बादल, धुंध, क्या रिजॉर्ट है यार। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, पूरा जंगल ही जंगल चारों ओर, और जंगल के बीच हम भाई। अब थोड़ा सा यार नहा लें, सुबह होते ही आपको नज़ारा दिखा दिया यहाँ का, नहाने के बाद ही आप लोगों से अब बातें करता हूँ। तो ये था हमारा रिजॉर्ट, रात को यहाँ रुके। इस रिजॉर्ट के पीछे की तरफ बालकनी का आपको मैंने नज़ारा दिखाया उस तरफ से, तो आपने देखा, इंजॉय किया। और अब हम सब चल रहे हैं आगे। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जहाँ भी जाते रहेंगे आप हमें देखते रहें, वॉच करते रहें, हर चीज़ मस्त होगी, एंटरटेनिंग होगी, और बचपन के दोस्तों हम साथ हैं ही, तो आप हमारे साथ बने रहें और इन्जॉय करें हमारी इस वीडियो को। और यहाँ पर मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ था वो दिखा दिया इस व्लॉग में। आप लोग मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो, लाइक करें, एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर से एक नई वीडियो में मिलते हैं, और आगे की जर्नी आपको वहाँ दिखाते हैं।